तो यार मामला कुछ यूं है कि 15 दिन पहले इस लड़के ने तो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम इसी जगह पे खड़े होके कुछ यूं बोला था। तो यार मामला कुछ ऐसे है कि अभी ओमान में शाम के 6 बज रहे हैं और आज आपके भाई का मूड हुआ है कि मैं समंदर पे जाऊं। तो यार सब ब्लॉग बनाए थे समंदर में, तो आपके भाई ने सोचा मैं भी बना रहा, तो हम भी इस शुभ काम में देरी क्यों करें। तो 6 बज चुके हैं और 7 बजे तक अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल। तो अभी मुझे खाना भी खाना है, मैं जा रहा हूँ, खाना खाऊंगा उसके बाद मुझे तैयार होके तो जाना है आज। तो वेट, तो अभी आप लोग को ये लग रहा था ना कि अभी एक मस्त सनमैटिक आएगा जिसमें रेल मस्त तैयार होकर व्लॉगिंग के लिए निकल जाएगा, मगर यार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं खाना खाने गया हूँ 6 बजे, तो वापस आया और तैयार शर हुआ, इतने में मुझे 6:30 बज गए। तो 6:30 बजते मैं जल्दी से टैक्सी स्टैंड पर गया, मुझे टैक्सी नहीं मिली, तो मैं किसी तरीके से बस में बैठ के और वहाँ पहुँच गया अपनी जगह पर। तो वहाँ पहुँचते मुझे 7 बज चुके थे और अंधेरा हो चुका था, ना मुझे टाइम लैप्स मिला सनसेट का और ना मुझे एक मोंटाज मिला अच्छा था। तो इस वजह से मैं वहीं बैठ गया, मैंने बोला जब आए हैं तो एंजॉय करके जाते हैं, तो मैंने थोड़ा एंजॉय किया और वापस आ गया। बट कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती है। हाँ, तो यार हार ना मानते हुए आपका भाई ठीक 15 दिन के बाद फिर उसी जगह पे जा रहे हैं, और अक्सर इसी वजह से मेरे जो व्लॉग लेट भी आते हैं क्योंकि मेरी छुट्टी होती है 15 दिन के बाद, इसलिए मैं आज ठीक 15 दिन के बाद उधर जा रहा हूँ। खैर इस बात को छोड़ो, फिर कभी होगी इस बारे में बात। तो अभी मुझे तैयार शहर होना है, तो वेट। तो हेलो जी, यार मैं ना तैयार शहर हो गया एज यूजुअल, और अभी मैं जा रहा हूँ, तो बैग वैग पैक कर लिया, ट्रैपर वगैरह रख लिए। तो आज मुझे एक मस्त सारा व्लॉग बनाना है, तो 2 बॉयज और मैंने बुलाए हैं, तो दोस्त हैं मेरे, साथ ही काम करते हैं। तो मैंने उनको बोला आप लोग फोन करो, मैं आ रहा हूँ। तो अभी मुझे शॉप से कुछ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह लेने, ताकि उधर खाएं भूख लगे तो। तो अभी बस मैं बीच पे जाके मिलता हूँ। ओके, असली है जो भी नजर में वो असली है, नकली है ये तेरी हसल नहीं, मोनोपोली है रख ली है, ये बात मैंने लिख के रख ली है कि बॉय आई सेट ट्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। आई डू इट फॉर माय टीम, जितने मेरे साथ खड़े, पॉकेट फुल ऑफ ड्रीम्स, अपने सारे ख्वाब बड़े। ये रियल है जैसे संडे वाली गली क्रिकेट, ये रियल है जैसे गूगली उड़ाती विकेट। रियल मेरा स्टाइल, रियल मेरा पैशन, रियल मेरे लोग और है रियल इनका फैशन। जमाना जाली है ये जले जब हम चले ब्रो, सड़कों से सीख के हम सड़कों पे ही बने ब्रो। मैं करता दिल की इधर सुने कौन तेरी, ये रियल है चील चौक से अनारकली। यार मैं पिछली बार भी बस में बैठा था, तो बस ने मुझे आगे उतार दिया था, तो इस बार भी मुझे मजबूरी जो है ना बस में बैठना पड़ा क्योंकि टैक्सी मिलती नहीं। तो कुछ ऐसा कि यहाँ पे कैमरा में अलाउ नहीं है, हो सकता है शूटिंग वगैरह अलाउ नहीं होगी, तो इस लड़के को लग रहा है कि आज सब कुछ सेट जा रहा है, अभी ये पहुंचेगा उधर जाके एक बेहतरीन सा मोंटाज बनाएगा और एक टाइम लैप्स लेगा सनसेट का, मगर ये जब वहां पहुंचेगा तो उसको एक धचका लगने वाला है। तो अफसोस यार, ये साउंड बजे सीधा कराची से कैलगरी पहुंचे वर्ल्ड वाइड, रिप्रेजेंटिंग ज़ेलबरी, रियल रॉ एंड ऑर्गेनिक, आई कीप इट 100। वो मेरे जैसे नहीं है, वो मेरे जैसे बने, सीन गरम है, गरजने का टाइम नहीं है, सीधा बरसते रुकने वाला काम नहीं है। कौन सी गली है जिधर अपना नाम नहीं है, कौन सा इलाका जिधर अपना इंतजाम नहीं है। बी हु यू आर वरना सभी एक जैसे हैं, सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। रियल टॉक, सड़कों पे काटी रातें, चाय पापे अपनी संगत, आज भी बैठे किसी ढाबे, असली दोस्त और पराठे, नकलियों पे लगे नाके, नुक्स वो ढूंढे मुझ में आके, पॉलिटिक्स करें फिर जाके, क्योंकि ये रियल है, मैं देसियों के वेस्ट भी, ऑर्गेनिक होके बेस्ट भी, वो ढूंढे मेरी रेसिपी। न शहरा न पर्वत न कोई गुलिस्तान, फकत सब समंदर बुलाता है मुझको, कि हर शय समंदर पे आई, समंदर में जाकर मिली। आज फिर से लेट हो गया यार, पर कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, जिंदगी इसी का नाम है, हर बार सक्सेस नहीं मिलती है। पर ज़रा सोचो कि अगर मैं आज नहीं आता यहाँ पे, तो ये हसीन सा नज़ारा मुझे कभी नहीं दिखता।
एज यूजुअल आज फिर आपका भाई लेट हो चुका है यार, मतलब सीन हो गया मेरे साथ, उसकी वजह से मैं लेट हो गया और मतलब मेरा व्लॉग ख़राब हो गया एकदम। मीन्स मैंने बनाए हैं शॉर्ट लिए 2-3, उसके अलावा ज़्यादा कुछ बना नहीं सका, काफ़ी कुछ सोच के आया था। तो ये सीन है आपके भाई की लाइफ आजकल ना बहुत ख़राब चल रही है, तो बस अभी मैं इंजॉय करूँगा यहाँ पे। और मेरे बॉयज़ को मैंने अभी तक ढूंढा नहीं है, मैं लेट हो चुका था तो मैंने ऐसे सोचा कि शॉर्ट ले लूँ 2-3, वरना अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में तो शॉर्ट अच्छे आएंगे नहीं। तो मैं बॉयज़ को ढूंढता हूँ, आप जब तक इंजॉय करो मेरे साथ। यार मेरे साथ सीन पे सीन हो रहा है, मेरे बॉयज़ भी नहीं मुझे मिल रहे हैं और अभी मतलब मैं व्लॉग भी शायद ना बना पाऊँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है और मोबाइल पे मतलब इतना कोई अच्छा रिजल्ट आता नहीं है रात में। तो यार वीडियो बीच में कट हो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा, रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। तो बॉयज़ तो मुझे मिल चुके हैं मेरे, मतलब अब तो अंधेरा हो गया, फ़ायदा नहीं है अभी। मतलब हम इतना हमारे साथ सीन हुआ है ना, इनको मैं नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिले, मैं पहुंच नहीं सका। तो सीन पे सीन हो रहे हैं, सीन पे सीन हो रहे हैं, सीन पे सीन हो रहे हैं। एक तो पहले अपलोड नहीं किया, 1.5 महीना हो गया, ऊपर से ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लो #blogLive। तो अब आप लोग समझते हो कि यार मैं पता नहीं क्यों नहीं अपलोड कर रहा। अब ये ऐसे सीन होएंगे तो बंदे का दिल करेगा अपलोड करने का। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग लगे हैं नहाने, तो मैं भी इसके आगे व्लॉग मतलब मैं ना बना पाऊँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है और अंधेरे में व्लॉग तो बनेगा नहीं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अगर आगे वीडियो आई तो इन्जॉय करो, तो अल्लाह हाफिज़। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा सा टाइम लैप्स ले लूँ, मतलब मैं हम नहाने जा रहे हैं, मैं चेंज कर लिया, ये देखो तो चेंज कर लिया, और यहाँ पे शावर वावर भी है, कोई टेंशन नहीं है, नहा के आप मतलब अपने आप को सुखा के और ये मस्त कपड़े चेंज करके जा सकते हो, फुल सिस्टम है यहाँ पे। तो सिस्टम भी शायद मैं आपको दिखाऊँ। तो मैंने ये सोचा कि टाइमलेस में बना लेता हूँ क्योंकि टाइमलेस में अच्छी आती है लाइट, पता नहीं कुछ मोबाइल का सिस्टम है, वीडियो सिंपल बनाओ तो उसमें नहीं आती लाइट, मगर टाइमलेस में लाइट आती है। तो आप लोग टाइमलेस मुलाजा फरमाएं। Choices you made, would you make them up?